नमस्कार, नगरी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी लक्ष्मणगढ़ सीट पर चुनावी समीकरणों के बारे में, और आज बात करते हैं राजस्थान की उस सीट के बारे में जहां पर जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर है। जी हां, मैं बात कर रही हूं नौहर विधानसभा सीट के बारे में। नौहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर विधायक अमित चाचान को मौका दिया। अमित चाचान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव के अलावा AICC के सदस्य भी हैं। वहीं बीजेपी ने अभिषेक मटोरिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस को अमित चाचान पर इससे भी भरोसा है क्योंकि 2008 और 2013 में लगातार दो बार हार के बाद 2018 में कांग्रेस को इस सीट पर चाचान ने ही जीत दिलाई थी। यह चाचान का पहला चुनाव था। अमित ने बीजेपी के अभिषेक मटोरिया को करीब 13,000 मतों से हराया था, लेकिन यही मुकाबला अब नौहर की विधानसभा सीट के लिए देखा जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौहर के चुनावी समीकरणों के बारे में। नौहर विधानसभा सीट राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की एक सीट है। यह हनुमानगढ़ लोकसभा सीट का हिस्सा है जो मारवाड़ इलाके में पड़ता है। इस विधानसभा सीट में वोटरों की कुल संख्या 2,78,991 है। यहाँ कांग्रेस को 36.5 और बीजेपी को 47.51 जनता का समर्थन प्राप्त है। इस सीट के 130 गांवों में से कांग्रेस 17 में और बीजेपी 109 गांवों में आगे हैं, तो वहीं 4 गांवों में अन्य आगे हैं। वर्तमान विधायक अमित चाचान इस विधानसभा में पीछे चल रहे हैं। बता दें, नौहर विधानसभा सीट जाट बहुल्य सीट मानी जाती है। इसके अलावा अन्य जातियों का भी प्रभुत्व देखने को मिलता है, इसलिए चुनावों पर इनका काफ़ी असर भी पड़ता है। साथ ही ब्राह्मण और OBC वोटर्स भी फैक्टर बने हुए हैं। यहाँ जाट वोटर्स की संख्या 1,00,000 के करीब है। इसके बाद SC ST के वोटर्स की संख्या लगभग 60,000 वोटर्स है। वहीं ब्राह्मण समुदाय के करीब 22,000 वोटर्स हैं, राजपूत समुदाय के करीब 20,000, तो वहीं वैश्य समुदाय के वोटर्स की संख्या 8,000 है। द नगरी न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे उन विधानसभा क्षेत्र के बारे में जिस पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों की नज़रें सबसे ज़्यादा टिकी हुई है। नमस्कार।